मालवणीतील अंबोजवाडीत शुक्रवारी 150 ते 200 झोपड्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. मुसळधार पावसात कारवाई झाल्याने रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला. मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा यावेळी तैनात करण्यात आला होता. या कारवाईनंतर शेकडो नागरिकांचा संसार रस्त्यावर आला आहे. MLA असलम शेख यांनी हा मुद्दा विधानसभेत मांडताना हे आवाहन केले की ज्या अधिकाऱ्यांनी त्या झोपड्या तोडण्याचा आदेश दिला त्याला लवकरात लवकर बरखास्त करावे. अध्यक्ष महोदय, मैं अभी मुख्यमंत्री साहब ने पूरा डिटेल्स आपके सामने रखा. मैं मुख्यमंत्री साहब से बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर और मुंबई के साथ और 7 जिलों में अलर्ट जो है हवामान खाते ने दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है. सारे डिपार्टमेंट, डिजास्टर डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को घरों में पानी नहीं जाए, लोगों की जान बचाई जाए. और इतनी बड़ी घटना इस महाराष्ट्र में हुई और उसी दिन मुंबई शहर में इस अंबोजवाड़ी के अंदर 250 घर जो लोगों के घर थे उनको तोड़ने का काम शुरू. कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे महानगर पालिका का डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, अगर हाईकोर्ट का आदेश है कि बरसात के अंदर किसी के घर नहीं तोड़े जाएंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपना खुद का GR है कि बरसात के अंदर किसी के घर नहीं तोड़े जाएंगे, ऐसी परिस्थिति के अंदर पूरी बारिश के अंदर 250 लोगों के घर का सामान के सहित उद्ध्वस्त किया गया और उस बारिश की वजह से 2 बच्चे आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट. तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि ऐसी परिस्थिति होते हुए ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उनको ये झोपड़े तोड़ने का काम करना पड़ा और उनकी वजह से इतने लोगों को बेघर करने का काम पड़ा. मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वो ताबड़तोड़, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे BMC का हो, अगर GR सरकार का है ये तीनों पे लागू होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो तीनों पे लागू होता है, ये पूरी की पूरी इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और वो जो भी अधिकारी है उस पर बर्खास्त करना चाहिए. ठीक है, मैं चाहूंगा सरकार इसके ऊपर कुछ बोले. ठीक है ना, अभी देखिए, हे बघा, नहीं नहीं, एक मिनिट, अपवाद म्हणून विषय माननीय सदस्यांनी मांडलाय, नक्की त्याची माहिती घेतली जाईल. पावसाळ्यात आपण कधीच तोडफोड करत नाही, त्याच्यामुळे अशा प्रकारे जर काही तोडफोड झाली असेल तर ती का झाली याची माहिती घेतली जाईल आणि तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या जातील. ब्युरो रिपोर्ट, NM आवाज.